या इनके लिए तो ये जो समय चल रहा है चंद्रमा की दिशा का, ये बहुत अच्छा है और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। इनको घबराने की जरूरत नहीं है। कारोबार में थोड़ा सा अगर लग रहा है कि कम नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि व्यापारी वर्ग में एक विशेष बात देखी है मैंने कि थोड़ा सा सभी काम में मंदा आया जी, और वो घबरा हो चले जाते हैं, हाँ पता नहीं क्या होगा, ये आगे काम चलेगा कि नहीं चलेगा जी। तो लिहाजा इनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इनका पंचमी की दशा को सर्वोत्तम अच्छी दशा मानी जाती है, इनको चलेगी और बढ़िया चलेगी जी। लेकिन इनकी जो समस्या है वो कारोबार की समस्या है और बहुत परेशान है, इनका कारोबार नहीं चल रहा है, पैसे की तंगी। आपने जो उपाय बताया, आपने कहा ससुराल पक्ष से बना के रखें, समस्या तो व्यापार की है, उपाय ससुराल पक्ष के बारे में बताया जाए। ऐसा है, पंचमी की दशा मैंने बोली है, चंद्रमा है पंचमी, जहां तक ससुराल पक्ष की बात आई है, दशा तो अच्छी है, यानी आप ये समझ लीजिए कि हमारा समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है, जो अवरोध चल रहा है वो थोड़ा सा इस वजह से चल रहा है कि आपकी जो ससुराल पक्ष है वो बहुत अच्छे ट्यूनिंग नहीं होगी, या अगर है तो उसको और अच्छा कीजिए। ससुराल पक्ष राहु की कैटेगरी में आता है। अगर आपका किसी भी तरीके के विघ्न बाधा अगर आ रही है और व्यापार चलते चलते और अच्छी दशाओं के चलते चलते भी वो खराब रिजल्ट दे रहा है, तो आप ससुराल पक्ष से बना के रखिए, वो खुश होंगे। आप में ये मतलब ये नहीं है कि आप उनको गिफ्ट दीजिए या कुछ दीजिए, अगर आप वहाँ जाते भी हैं उनकी ही चाय पी आते हैं, उनके यहाँ ही नाश्ता कर जाते हैं, उन्हीं का कुछ खा पी आते हैं, तो भी क्योंकि ससुराल पक्ष वालों का भी एक ये होता है कि हमारे घर में मेहमान आए हैं, इज्जत आदर वो लोग करते हैं, उनको सम्मान, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, तो इससे भी आपको ये प्रॉब्लम जो है आपकी आमतौर पे नहीं आती है। होता क्या है, काफ़ी लोगों में मैंने देखा है कि ससुराल पक्ष से बना के रखना नहीं चाहते जी। ये नहीं मालूम कि क्यों रखना चाहते, नहीं रखना चाहते, या फिर नहीं बनती, ट्यूनिंग नहीं होती, ये क्या बात है, तो वो वहाँ पर परेशानियाँ का कारण बन जाती है। हमारी हर जो भी ग्रह है वो केवल इसी वजह से है कि जो भी परेशानियाँ में आएगी वो हमें इंडिकेट करेगी कि हमारे किस किस से ट्यूनिंग सही नहीं आ रही है जी। अगर इनका काम कारोबार में परेशानी आ रही है और अच्छी दशा होने के बाद तब परेशानी आ रही है और उस वहाँ पर ये प्रत्यंतर आ रहा है राहु का और ये काम नहीं कर रहा, तो इसका समाधान ये होगा, यानी कि इनके राहु के शांति के लिए ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा, हाँ खुशी के होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके सामान ले आओ, अगर मैंने सामान ले आओ या डिमांड करो जी मेरे को ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, तो खराब हो जाएंगे जी। उनको खुश रखो, उनको खुश करो, किसी भी तरीके से आप जाइए, प्यार से बोल लीजिए, इससे भी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो विजय वर्मा जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखिए और आपकी जो कुंडली है वो तो अभी अच्छा ही है। अगला मेल ले लेते हैं सर। अगला मेल जो है हमारा वो है विशाल शर्मा जी का। इन्होंने जो जन्मतिथि भेजी है वो है 29 जून 1987, जन्म का समय सुबह के 6:30 पर। ये कहते हैं मैरिज कब तक होगी और जॉब का क्या भविष्य है। विशाल जी, जहाँ तक मैरिज की बात है, मैरिज मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद आपकी हो जाएगी, 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी जो भी योग बना हुआ आएगा, योग तो बने हुए हैं, मतलब कुल मिला करके जो भी आपको समय सूट करेगा या कुंडली के हिसाब से निकलेगा जी। और जहाँ तक आपका जॉब की बात है, जॉब में इस पत्र में ये आ रहा है कि आलस की वजह से आप उतना ज़्यादा जॉब नहीं कर पा रहे हैं जी। थोड़ा सा आलस को त्याग दीजिए, जो जॉब सामने आ रही है, पहले छोटी जॉब आती है तो छोटी ही पकड़िए, उसके बाद बड़ी मिलेगी। ये सीधे चाहते हैं कि सीधे 50,000 रुपये की 1,00,000 रुपये की जॉब मिल जाए, पत्री के अनुसार मुझे लगता है कि एकदम से तुरंत से नहीं मिलने वाली है। कहीं नहीं अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। शुरुआत नहीं, ऑफर तो इनके पास आ रहे होंगे, इनको अपने स्टेटस के हिसाब से कुछ जरा बड़ी जॉब चाहिए, बढ़िया चीज चाहिए, सीधा मतलब बहुत बड़ी जॉब मिल जाए तो जितना आखिर में मिलता है आदमी को उतना मिल जाए, तो ये चीज के लिए ये थोड़ा रोके हुए हैं। छोटी मोटी कोई भी जॉब मिले, अपने से रिलेटेड मिले, इनको जो भी काम जानते हैं ये छोटी मोटी करें, उसके बाद तुरंत इनके पास जॉबों की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इनका गुरु बहुत अच्छा है और लगातार इनको जॉब दिलवाता रहेगा। एक जगह अगर किसी वजह से छूटती भी है तो दूसरी जगह उससे बढ़िया मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाले की छोड़ दें, ऐसा ना करें। बाकी इनको अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरी जॉब इनके पास हमेशा तैयार रहेगी।
तो विशाल शर्मा जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको, जॉब आपकी जल्दी ही लग जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा शुरुआत करने की देर है। अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल जो चाह रहे हैं कि इस रैंक का मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आती हैं। तो आप शुरुआत कीजिए, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी जॉब जल्दी ही मिल जाएगी और जल्दी ही शादी भी होगी। अगला मेल ले लेते हैं सर, वो है राजकुमार गुप्ता जी के यहाँ से। इन्होंने जो अपनी जन्मतिथि भेजी है वो है 21 सितंबर 1957, जन्म का समय दोपहर के 12:45 पर। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, कहते हैं फैमिली प्रॉब्लम भी है, मदर से भी प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का भी प्रॉब्लम है, घरेलू झगड़े भी हैं, मतलब चारों तरफ इनकी समस्याएं समस्याएं हैं, परेशान है, कोई उपाय बताइए। राजकुमार गुप्ता जी, जहाँ तक परेशानी की बात है आपकी, आपको एक उपाय बताता हूँ जिसके अंदर आपको करना क्या है कि मंदिर में रोजाना जा करके 11 दिन तक जो भी आपकी श्रद्धा हो, 1 रुपये से लेकर 21 रुपये तक डेली आप चढ़ाइए। इतना करने मात्र से ये आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ये सारी की सारी में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, और केवल 11 ही दिन करना है। ऐसा नहीं कि उसके बाद चलो आपको आराम आना शुरू हो जाएगा तो आप लगातार करते जाएं, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है, केवल 11 दिन कीजिए। इच्छा भी आपकी है, आप 1 रुपया करें या 21 रुपये तक आप कर सकते हैं, ये किसी भी भगवान के मंदिर में गुल्लक में डालिए, निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और उसके बाद जो भी कुछ समस्याएं, जैसे आपने 4-5 समस्याएं बताई हैं, इन 4-5 समस्याओं में से जो सी भी समस्या आपकी रह जाएगी उसके लिए आप पुनः मेरे को फ़ोन कर सकते हैं या हमारे को मेल कर सकते हैं, फिर मैं आपकी, क्योंकि जो भी इतनी सारी समस्याएं मुझे कोई एक आधी अगर रहेगी तो उसका एक कोई पर्टिकुलर उपाय जो भी होगा वो बता दूंगा। बाकी मुझे लगता है इसी से काफ़ी तक हद तक आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो राजकुमार गुप्ता जी, जाना आपने कि क्या करना है आपको, मंदिर में 1 से 21 रुपये तक की जो आपकी श्रद्धा है वो चढ़ाएं, 11 दिन तक आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी समय से बंधे हुए हैं और समय के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है, और समय इशारा कर रहा है कि हम आपसे अनुमति लें। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित है या वास्तु से संबंधित है या धार्मिक समस्या है या घर की समस्या है, समस्या कुछ भी हो, समाधान है यहाँ पर, सरल सा सहज सा समाधान है, बस आपने कॉल करनी है और फिर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो घर पर भी बुला सकते हैं संजय जैन जी को अपने वास्तु को दिखाने के लिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो फोन पर ही आप उपाय पा सकते हैं। अगर कोई उपाय आपको बताए गए हैं और आप उसे करने में सक्षम नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट भी हैं, बस आपने कॉल करना है, यानी संपर्क बनाए रहना है और आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। आज के लिए वास्तु ज्योतिष सागर कार्यक्रम इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।